टेम्पू ट्रैवलर पर टैक्स लगाने के फैसले के विरोध में उतरी पंजाब टैक्सी यूनियन के तेवर ढीले पड़ गए हैं। टैक्सी यूनियन ने अब 15 अक्टूबर को हिमाचल की सीमाएं सील करने की चेतावनी को वापस ले लिया है। सचिवालय में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के साथ हुए आज़ाद टैक्सी यूनियन के प्रतिनिधियों की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। यूनियन ने टेम्पू ट्रैवलर पर लगाए गए टैक्स के फैसले को वापस लेने की मांग उठाई है। यूनियन ने तर्क दिया कि वे केंद्र सरकार को हर साल टैक्स देते हैं और किसी भी राज्य में अलग से टैक्स नहीं लिया जाता है। बारह सीटर 13 सीटर टेम्पू ट्रैवलर हैं, 17 सीटर हैं, 20 सीटर हैं। हम जाते हैं आते हैं, ए से बी जाते हैं, बी से फिर ए आते हैं। हम कोई टिकट नहीं देते। हमने यही साफ से बोला। उन्होंने कहा भी आपका मुद्दा नहीं था। उन्होंने बोला है हमारे को भी ठीक है, ये नोटिफिकेशन पे जरूर करेंगे, वापस लेंगे इसे। अब जिन्होंने आजाद टैक्सी यूनियन को आगे लगाया हुआ था, चाहे वो पंजाब था, चंडीगढ़ था, हरियाणा था, दिल्ली था, सब के साथ करना था हमने। जब हमारी बातचीत चल रही है, बातचीत हुई है, ठीक है जी, हम तो पहले दिन से बोल रहे हैं भी हम काम करने वाले लोग हैं, रोज़ कमा के खाने वाले गरीब लोग हैं। ये हमारे को संघर्ष करने पर या मजबूर ना किया जाए। जब टैक्स पे कर दिया, पहले तो अपनी स्टेट को दे दिया, उसके बाद सेंटर को दे दिया, सेंटर शेयर बेच रही है भी, और कहां से टैक्स दे दें, डबल टैक्सेशन कहां से करते, ये बात थी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि टैक्सी यूनियन ने अपनी मांगें उनके समक्ष रखी हैं और टैक्स हटाने की मांग कर रहे हैं। बाहरी राज्यों से अवैध रूप से बिना टैक्स दिए बसें हिमाचल आती हैं, जिसको देखते हुए उन पर टैक्स लगाया गया है। साथ ही टेम्पू ट्रैवलर पर भी टैक्स लगाया गया है, जिसका बाहरी राज्यों की टैक्सी यूनियन विरोध कर रही है। यूनियन से बात हुई है और टैक्स कम करने के बारे में जल्द फैसला लिया जाएगा। ठीक तरीके से हल हो जाएगा और हिमाचल का लगभग 1.5 दशक से इशू ये लटका हुआ है। सारे बार बार बात आती थी कि वॉल्वोज आ रही हैं, मल्टी एक्सल आ रही हैं, तीसरे टेम्पू आ रहे हैं, दूसरे बाहर के जो है दूसरी स्टेट से इंडस्ट्रियल एरिया में गाड़ियां आ रही हैं, या कुछ स्कूल की बसों का इशू था। मतलब सारे इशूज़ को जो है हमने लगभग सुलटा लिया है।